हेलो, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या है? फिबोनाची एक्चुअली में एक साइंटिस्ट था जिसने अपने नाम के पे एक सीरीज बनाई थी जो ये कुछ इस टाइप से थी। अब आप स्क्रीन में देख सकते हो, जैसे 0 1, ठीक है, 0 1। अब इसके बाद क्या आएगा? 0 + 1 = 1, ठीक है। और प्रीवियस, अब यहाँ ये दो कित क्या हो गए, 1 और 1 and 1 2। अब इसके आगे की ये दो प्रीवियस 3। तो अब अगर आप समझ रहे हो तो देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जीरो था अपने पास, 0 + 1 कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, 0 + 1 = 1। फिर हमने क्या कर दिया, इससे पहले पहले का जो हमारा आउटपुट था 1 and 1 कितने हो गए, 2। अब 2 से पहले का आउटपुट क्या था हमारे पास, 1। तो 2 + 1 = 3। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस आउटपुट को नेक्स्ट आउटपुट के साथ ऐड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होएगा हमारा, 2 and 3 = 5। अब इससे नेक्स्ट क्या होएगा, 5 and 3 = 8, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारी यहाँ पे फिबोनाची सीरीज हमें बनानी है पाइथन के अंदर। तो अब हम इसको पाइथन के अंदर कैसे कोड करेंगे, तो फटाफट से हम इसको सीखते हैं। इसको मैं आपको एक सिंपल मेथड के थ्रू आपको इसको नॉर्मली बताऊंगा, सिर्फ सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर, ना किसी टाइप के फंक्शन यूज करेंगे, ना हम किसी टाइप की रिकर्सन यूज करेंगे। सिंपल सा अप्रोच है, इसको आप ध्यान से देखना क्या करना। सबसे पहले हमें करना है एक रेंज सेट करनी है कि आपको कितने देखने हैं, कितने फिबोनाची सीरीज नंबर्स देखनी है। फिलहाल इस केस में हम कितने देख रहे हैं, 3, ये नंबर है 3, ये नंबर है 3, 3, 6 और 1, 7। अगर मैं यहाँ पे 7 इनपुट करता हूँ तो मुझे ये आउटपुट में चाहिए क्योंकि ये 7 नंबर्स हैं। तो फटाफट से हम रेंज सेट करते वैल ले लेते हैं जिसके अंदर हमारी लिमिट होगी, फिर लिमिट ले लेते हैं, लिमिट इज इक्वल टू में इंट इनपुट एंटर ए, एक लिमिट हमने यहाँ पे एंटर कर दी। अब सपोज मैंने लिख दिया 7, तो मुझे 7 फिबोनाची सीरीज दिखाई, 10 लिख दिया तो मुझे 10 फिबोनाची सीरीज मुझे यहाँ पे शो कर रही। अब हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है, 4 i in range ऑफ, किस रेंज चलाना है हमें, स्टार्ट हो 1 से, कहाँ तक चले, लिमिट प्लस 1। अब लिमिट प्लस 1 क्यों करा मैंने, क्योंकि जो हमारी रेंज फंक्शन है वो लेस देन एन माइनस 1 तक चलता है। जो हमारा रेंज फंक्शन है वो हमेशा एन माइनस 1 तक चलता है, ठीक है। तो मैंने जब ही यहाँ पे मैंने प्लस 1 कर दिया, अगर मैं एन माइनस 1 का मतलब क्या करें, यहाँ पे आपकी मैंने लिमिट डाल दी 10, तो मुझे 10 नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा 9। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिमिट प्लस 1 कर दिया ताकि 9, अगर 10 - 1 9 तक चलेगा तो मैंने प्लस 1 कर दिया तो ये पॉजिटिव 1 ऐड हो जाएगा और हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 फिबोनाची सीरीज दिखाएगा। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, x = 0 y = 1 और z = 0। तो मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, x y and z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, हम क्या करेंगे, प्रिंट डायरेक्ट x को प्रिंट कर देते हैं। देखना आपको मैं 1 by 1 सबको लॉजिक समझाने वाला हूं, मैं चिंता मत करना। हमने क्या कर दिया, x को प्रिंट कर दिया, तो x 0 प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x प्रिंट, फिर हम क्या करेंगे, x के अंदर हम y को असाइन कर देंगे, x के अंदर हम y को असाइन कर देंगे, y, अब y की वैल्यू x में जा चुकी है तो हम y के अंदर z को असाइन कर देंगे, और z की वैल्यू अगर y में शिफ्ट हो चुकी है तो हम z के अंदर हम क्या कर देंगे, x प्लस y कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट z। अब देखना इसको, z की वैल्यू क्या है, 0, तो प्रिंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। सिंपल सा अप्रोच है,
अगर जहाँ पे जेड की वैल्यू जीरो है, अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी हो, अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट भी हो, तब भी आपको ये प्रोग्राम समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना बस। जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट जीरो, जेड की वैल्यू जीरो है तो ओबीसी वाला प्रिंट जीरो ही होगा जो उसके अंदर वैल्यू साइन है। फिर हमने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो है तो मैंने क्या कर दिया, एक्स के अंदर वाई को साइन कर दिया, वाई में एक्चुअली में क्या है, वन है, तो एक्स की वैल्यू अब क्या होगी, वाई की वैल्यू वन थी तो वाई मैंने साइन कर दिया इसको, तो एक्स की वैल्यू होगी अब वन। और वाई वेरिएबल के ऊपर हम अब करेंगे ओवरराइड, जेड की वैल्यू क्या है, जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, अब जीरो हो चुकी है, ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू अब हो चुकी है वन, वाई की वैल्यू हो चुकी है अब जीरो क्योंकि जेड की वैल्यू जीरो थी, मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, और अब जेड की वैल्यू मैंने क्या कर दी, वन प्लस जीरो, एक्स की वैल्यू वन थी, जेड की वैल्यू जीरो थी, एक्स प्लस वन प्लस जीरो कितना हो गया, वन। अब जेड की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं है, वन है, ठीक है, लूप फिर से लेगा, अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, वन प्रिंट हो जाएगा। अब उसको फटाफट से अब रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे एक लिमिट डालता हूँ, मुझे देखने हैं 5 फिबोनाची की सीरीज डिजिट्स, तो मैं एंटर कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्या है, जीरो, देन उसके बाद वन, वन एंड जीरो इज वन, वन एंड वन इज टू, एंड टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो हमारा फिबोनाची की सीरीज एकदम अच्छे से वर्क करा है। अब देख देखते 10, तो उसको ध्यान से देखना, इतना तो हो गया था हमारा, 5 and 3 8 8 5 13 13 and 8 21 and 21 and 13 is 34, सीधा हिसाब है, 3 और 1 4 2 और 1 3, ठीक है। तो ये हमारा है फिबोनाची सीरीज, हमने कुछ इस टाइप से इस प्रोग्राम को बनाया है। सो आई होप आप सभी को ये फिबोनाची सीरीज समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट कल आप कल की वीडियो में एक न्यू प्रोग्राम ट्रिबोनाची सीरीज आपको समझाने वाला हूँ। ट्रिबोनाची सीरीज ये है आपका फिबोनाची सीरीज, और कल आपको समझाऊंगा मैं ट्रिबोनाची सीरीज, तो आप बने रहना हमारे साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।